जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रशासनिक व राजस्व की टीम के साथ बैठक की गई है। इसमें भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही, खनन व शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाही, सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली करवाने को लेकर कार्यवाही और कोटे के वितरण के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है, जिससे कि नागरिकों को समय से खाद्यान्न वितरण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा मिलेगा व सम्मानित किया जाएगा और जो भी अधिकारी कार्यों में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम खजनी पवन कुमार, तहसीलदार गोला सुनीता गुप्ता, तहसीलदार कैंपियरगंज नीलम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ऐसे जो कर रहे लगातार अभी मैंने एक घंटा सबको मैसेज करके हर ब्लॉक के ग्रुप में मेरा नंबर जुड़ा हुआ और वो सीधा आपके ब्लॉक पे पहुंच जाएगा, सचिव से कनेक्ट हो जाएगा, रोजगार सेवक से कनेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट वहां से बनना शुरू हो जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट डेली मेरे पास आएगी। आगे ग्रुप में 25 ग्रुप में चलाना पूरे सीडीओ ऑफिस में 25 से ऊपर ज्यादा ग्रुप है मेरे पास दिया हम करेंगे। ये सारे एसडीएम इसकी चीज को समझे थे, फाइनलाइज करने के बाद वीडियो से कोऑर्डिनेट कर दिए, उसमें मैंने मिट्टी नहीं पड़ जाए। नहीं, आपके लिए बड़ा सिंपल है, तक मिट्टी नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ थोड़ी देर बाद पूरा अच्छे से मिट्टी नहीं, खर्चा भी लग जाएगा। जो भी करना है आपको क्या करना है, उस जब आप फाइनलाइज करने जा ठीक है, आप नहीं कर सकते, तहसीलदार अपने शहरों से कॉल करा दीजिए, आपने शहरों को बोलिए, सचिव को बोलो कल वहां फाइनलाइज आप पहुंचे, और अगर सचिव नहीं पहुंचता है तो आपका एक व्हाट्सएप आना चाहिए, सर ये नाम था, ये सचिव मेरी फाइनलाइज में नहीं पहुंचे, बस इतना चाहिए। उसे पूछना कि पिछले साल के बजट में कितना मटीरियल तुमने खर्च किया, हमें 40 करोड़ खर्च करना था, 25 करते करते सबकी अमर गई, 40 की रेशो क्या रहे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी ना होने कारण ऐसा होता है। 24 गांव दे देने हैं, ब्लॉक पर दे दोगे, उन वीडियोस की मैं ड्यूटी लगा दूंगा, उन सचिव को मैं ड्यूटी लगा दूंगा कि आप वहां रहेंगे, इसमें से बनेंगे प्रोजेक्ट आदि करेंगे वहां पे, और साथ ही साथ कराइए एकदम बढ़िया बनाइए, और अभी जो बन जाएंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो कर दिया जाएंगे, उसमें अटेंडेंस होनी है कंपल्सरी किया था उसके, और अपने आप बैंकर्स को मिलते हैं तो उसको बता दिए मनरेगा में आधार से लिंक जरूरी है, कंपल्सरी है, 86% आधार जो है पिछले लेकिन आप वहाँ रहने का कल से और ये बहुत सख्ती से आपको पालन करना है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत अपने अपने क्षेत्र में रहिए, 4 तक कोई घटना कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कोई घटना नहीं होनी चाहिए, सबके साथ लगातार बातचीत प्रवर्तन सख्ती से निपटना करना है, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी किसी भी कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, इसका कड़ाई से पालन करिए, किसी लाउड स्पीकर अथवा किसी और परंपरा के वजह से कोई और समुदाय डिस्टर्ब ना हो, और उसमें निष्पक्षता से स्वतंत्रता से काम करना है, कड़ाई से काम करना है। अभी चौपाल लगाई गई थी, उसके पश्चात सभी राजस्व टीम के साथ बैठक की गई है निर्धारित एजेंडा बिंदु में, जिसमें भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, खनन और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, अब भू और ज़मीन अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई के संबंध में समीक्षा की गई है, कोटे के वितरण के बारे में और उसमें अनुश्रवण के बारे में, ताकि लोगों को खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो उनका अधिकार है वो प्राप्त हो सके, विभिन्न बिंदुओं में समीक्षा की गई है और उसका अनुश्रवण लगातार चलता रहेगा, और अच्छा कार्य करने वालों को बढ़ावा मिलेगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और जो शिथिलता या अनियमितता बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।